हेलो दोस्तों, आज का हमारा 10th क्वेश्चन है। इन कॉन्जुगेट बीम इफ शेयर फोर्स इज जीरो देन डैश डैश इज जीरो इन रियल बीम। सबसे पहले हमें एक रिलेशन याद रखना है। शेयर फोर्स का रिलेशन होता है स्लोप के साथ एंड डिफ्लेक्शन का रिलेशन होता है बेंडिंग मोमेंट के साथ। तो मानो कि एक कैंटिलीवर बीम है, ये जो फ्री एंड है यहाँ पे हमें पता है शेयर फोर्स यहाँ पे जीरो होगा। इसका मतलब है जब हम इसको रियल बीम में कन्वर्ट करेंगे तो ये सपोर्ट फ्री एंड क्या हो जाता है, फिक्स सपोर्ट हो जाता है। एंड हमें पता है फिक्स सपोर्ट पे स्लोप जीरो होता है, तो इसका आंसर है स्लोप। मीन्स आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्लोप अगर आ गया तो इसका रिलेशन है शेयर फोर्स के साथ एंड बेंडिंग मोमेंट आ गया तो इसका रिलेशन है डिफ्लेक्शन के साथ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।